सीता आजाद जी। पति महोदय, जो आपने मुझे महिला आरक्षण विधेयक 2023 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपके साथ साथ अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभापति महोदय, 19 सितंबर 2023 को इतिहास लिखा गया और हम सभी लोगों को उस इतिहास का गवाह बनने का मौका मिला, जहाँ हम लोग पुरानी संसद भवन से निकलकर नए संसद भवन में आने का गर्व महसूस हुए। सभापति महोदय, हम नए सांसद जो 2019 में चुनकर आए, हम लोगों की शुरुआत पुराने संसद भवन से हुई और हम सभी लोग अपने कर्तव्यों का स्मरणीय यादें लेकर नए उमंग, नई उम्मीद और नए कर्तव्यों का संकल्प लेकर हम सभी लोग नए संसद भवन में आने का काम किए हैं। और यहाँ आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सदन के पटल पर रखा गया, जिसकी मांग दशकों से थी और बहुजन समाज पार्टी ने कई बार और मैंने स्वयं भी इस महिला आरक्षण विधेयक की मांग को कई बार सदन के पटल पर रखने का काम किया है। मैं और मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस बिल का पूरे दिल से समर्थन करते हैं। सभापति महोदय, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है और उनकी आधुनिक और प्रगतिशील सोच का नतीजा है कि जब संविधान की रचना की जा रही थी, तब बाबा साहब ने सर्व समाज की महिलाओं को, जिनको पढ़ने लिखने धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको संविधान में सम्मान देने का काम किया। बाबा साहब ने जहां हमको एक वोट का अधिकार दिया, वहीं माननीय कांचीराम साहब ने उस एक वोट की कीमत को दलित शोषित वंचित वर्गों को समझाने का काम किया और उस समय यह नारा भी चला कि कांचीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। आज बाबा साहब और माननीय साहब कांचीराम साहब की ही देन है, जिसके कारण हम जैसे वंचित समाज की महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जाने का मौका मिला और अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। यह बिल आने से देश की महिलाओं को नई ऊर्जा मिली है, महिलाओं को सम्मानित और सुरक्षित खुद को महसूस करने का मौका मिला है। आज जहां 21वीं सदी में हम चांद पर उतरने का श्रेय महिला वैज्ञानिकों को देते हैं, वहीं सीमा सुरक्षा बल से लेकर लड़ाकू विमान उड़ाने तक और होम मेकर से लेकर किंग मेकर बनाने तक का श्रेय महिलाओं को जाता है। यह विधेयक महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह न केवल प्रेरित करता है बल्कि रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, नेतृत्व कौशल विकसित करता है और साथ ही एक सहायक वातावरण तैयार करके जहां महिलाएं आगे बढ़ सके इसकी योजना बनाता है। अध्यक्ष जी, इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की कुछ मांगे हैं जिसको हम चाहते हैं कि इस विधेयक में सम्मिलित किया जाए। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी कि NFHS 5 के अनुसार भारत की जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं हैं, इसलिए लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में 33% आरक्षण के बजाय 50% आरक्षण दिया जाए और इस आरक्षण को राज्यसभा और राज्य की विधान परिषदों में भी लागू किया जाए। महिला आरक्षण में SC ST के साथ OBC वर्गों के आरक्षण को भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि जब तक समाज में असमानता रहेगी तब तक आरक्षण को लागू करना अनिवार्य रहेगा और सामान्य सीट पर SC ST OBC की महिलाओं को मौका नहीं मिल पाएगा। और साथ में BSP की यह भी मांग है कि जातिगत जनगणना जो 2021 में होने वाली थी, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि SC ST OBC के लोगों को आरक्षण मिल सके और साथ में जो परिसीमन होने वाला है, परिसीमन और जातिगत जनगणना कराकर इस आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाए। अध्यक्ष जी,
यह महिला आरक्षण विधेयक सिर्फ और सिर्फ सरकार का चुनावी मुद्दा न बन जाए, इसको ध्यान में रखा जाए और इस महिला आरक्षण विधेयक को 2024 के आम चुनाव में जल्द से जल्द लागू कराया जाए जी। किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए महिलाओं को समुचित विकास होना सर्वोपरि है। इन्हीं सब बातों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नवा नागेश्वर राव जी। होम मेकर तो किंग मेकर।